गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब, महासागर इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से यह गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। संस्कृत कोशानुसार गण अर्थात पवित्र, पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रकों के स्वामी। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रोध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। शिवजी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा, तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाए, तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करे। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहां हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता, कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममतारूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया,
जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 21 की संख्या में दूर्वा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे हैं श्री गणेश जी, जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। तीसरी कथा के अनुसार एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुगदल लेकर द्वार पर बैठ जाओ, मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर मत आने देना। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिवजी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया। इसे शिवजी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल दो थालियों में भोजन परोसकर शिवजी को बुलाया। तब दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिवजी ने पूछा, ये दूसरा थाल किसके लिए है? पार्वती जी बोली, पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। ये सुनकर शिवजी और अधिक आश्चर्यचकित हुए। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। ये सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई। वे विलाप करने लगी। तब पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति तथा पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया। ये घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए ये तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और जानकारियाँ आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियाँ इंजॉय करें। जय श्री राम।